सो मच भैया जी, कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। मुझे मालूम है बेहद गर्मी, भीषण गर्मी, उन सबके बीच में भी आप खड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और मैं बताऊं आपसे कि जितना मैं आपकी, ये जो मेहमान है वो तो उनको तो मैं बुलाता हूं, लेकिन जो आप आते हैं उसकी वजह से ये संभव हो पाता है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, थैंक यू सो मच। बहुत दूर से मैं आ रहा हूं, मैं दो लाइन भी पूछूंगा, पूरा मुशायरा भी करवाऊंगा। क्या नाम है बेटा? भूमिका जी। मैं यहाँ पे चॉकलेट देख रहा था कहीं पे। हाँ लाओ चॉकलेट दो। बुद्ध पूर्णिमा की सर आपको बहुत बहुत बधाई। अरे बहुत बहुत शुभकामनाएं बुद्ध पूर्णिमा की, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जब तक आप वन वीक थे रही हैं, बहुत लोग सर आपको मिस कर रहे थे। हाँ, सही है सर। हाँ जी, हमें तो लग रहा तुम ही ज्यादा मिस कर रहे थे मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हम पापा वो डेली उनको ये होता है कि न्यूज 87 आया तो आपके सामने आया। अच्छा बेटा क्या नाम है तुम्हारा? अंशु शर्मा। अंशु शर्मा तुम आदमी अच्छे हो, बस थोड़ा सा थोड़ी सी चीजें ठीक कर लो, बाकी तुम सब ठीक कर लीजिए, है ना? थोड़ा सा चीजें, बस थोड़ी सी सुधार की जरूरत है, बाकी तुम बिल्कुल ठीक हो। और पापा और खुश होंगे, और हाँ पापा टीवी देख रहे होंगे और वो बहुत खुश होंगे कि जो मैंने कहा वो समझ गए और तुम समझ गए, बाकी कोई नहीं समझा। बस थोड़ी सी चीजों को सुधार करना है और उसके बाद तो थोड़ी अच्छी करनी पड़ेगी। हाँ थोड़ी डिबेट का, हाँ बेटा थोड़ी डिबेट अच्छी करनी पड़ेगी, तो अंजू तुम्हें थोड़ा और तुम्हें अच्छा होना पड़ेगा, क्योंकि जब तुम दिमाग से दुरुस्त होकर आओगे तो तुम्हें समझ में भी आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, तुम क्या कह रहे हो, वो क्या कह रहे हैं, ये सब कह रहे थे ना। और फिर उस दिन मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेके आऊंगा। आज तुम्हारे लिए चॉकलेट नहीं है, मैंने तुम्हें इशारा किया, तुम समझ रहे हो, पापा समझ रहे हैं, मम्मी समझ रहे हैं, घर वाले समझ रहे हैं और बाकी पब्लिक भी समझ रही है। पब्लिक यहाँ आके सब सीख गए, सब सीख गए। ये चॉकलेट तुम्हारे लिए थी और मैं लाया था, ऐसा करना कि थोड़ी तुम खा लेना और थोड़ा अगल बगल खिला देना, और बच्चों भाई भी है, आधा 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 कर लेना और उधर भी दे देना, तुम्हारी बड़ी दीदी खड़ी हुई है, ठीक है? बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। मैं आया, हाँ हाँ मजे तो ले ही रहे हैं 48 डिग्री टेम्परेचर में। कहाँ से हैं आप साहब? मैं अमृतसर से। तो सर मैं ये पूछना चाहता था कि चलो कांग्रेस ने जो किया, अमृतसर पंजाब से हैं जी, कांग्रेस ने किया मान लो वो डलते, उसके टाइम रेट 68 था डॉलर का, ठीक है डॉलर का। हाँ पंजाब का आदमी डॉलर तो बताएगा। हाँ तो जब मतलब मोदी जी ने सरकार बनाई कि मैं मतलब रुपया ऊपर लेकर जाऊंगा, अभी 78 है, 68 के बराबर हो गया है, ठीक है। तो फिर चलो उन्होंने किया, इन्होंने उनसे ऊपर कर दिया, तो ये क्या हिंदू मुस्लिम बस यही चलेगा हमारे देश में? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं चलेगा, और मैंने आज बिल्कुल नहीं चलेगा। और कोई भी, मैं सच बताऊं, कोई भी हिंदू मुसलमान नहीं देखना चाहता। पंजाब से हैं, अमृतसर से, उन्होंने कहा कि इस पर बात हो, इस पर बातचीत होनी, और मैं चाहता भी हूँ इसी पे बातचीत हो। और मैंने आज डिबेट में एक बार भी नाम नहीं लिया। कहाँ से नाम है, क्या नाम है तुम्हारा? देविका। देविका कहाँ से हैं आप? दिल्ली की हूँ। दिल्ली की हैं, तो रुको अभी थोड़ी देर रुको, कोई चॉकलेट लेके आएगा तो तुम्हें भी चॉकलेट देंगे जी। प्रेम शंकर जी, कांग्रेस चॉकलेट खाए और खिलाए, इसके लिए वो रिकनेक्ट होना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है। मतलब चॉकलेट एक सिंबॉलिक है, प्रतीक है, क्योंकि यहाँ पे चॉकलेट की बात हो रही थी, बस सिंबॉलिक है, लेकिन ये बात सच है। उन्होंने कहा कि हम रिकनेक्ट होना चाहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल हो। प्लीज प्लीज, मैंने जो बात कही वो खत्म हो गई वहीं पे, जो बात कही वो खत्म वहां से बात। दूसरी बात उन्होंने कहा कि देश में आग लगी हुई है, और तीसरी बात, हाँ ममता आप आगे आ जाइए, और तीसरी बात उन्होंने जो कही वो मैं यहां रख देना चाहता हूं। बहुत दबाव है, न्यायपालिका तक पे दबाव है, तो कैसे रिकनेक्शन का कैसे कोई फॉर्मूला ढूंढ रही है कांग्रेस, मैं जानना चाहता हूं। देखिए 12 करोड़ लोगों का समर्थन पिछले चुनाव में राहुल गांधी और कांग्रेस को मिला, इसके बावजूद वो कनेक्ट होना चाहते हैं, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। बीजेपी को 23 करोड़ मिला था, 6 करोड़ और ले लेंगे, बराबर हो जाएगी बात। अब मैं थोड़ी आग लगने वाली बात पर आता हूं कि आग लगी हुई, अरे गर्मी भी भीषण है कि नहीं? आप लोग फील करते ना कि गर्मी है, क्यों गर्मी है, क्यों? एसी चलाने से क्या गर्मी भागेगी? नहीं, ओजोन परत में छेद है, असली कारण है। और समाज में भी जो कॉस्मेटिक किरणें सांप्रदायिकता की घुस रही हैं, इस कारण आग जल रही है, और राहुल गांधी ने उसी आग जलने की बात कही है। और यही बात न्यायपालिका की, आस्था से चलेगी न्यायपालिका या सबूत से? न्यायपालिका खुद दिग्भ्रमित है, ये बात राहुल गांधी कह रहे हैं। क्या क्या किसी ने क्या बोला, किसी ने क्या बोला?
क्या बोला तुम, क्या बोल रहे थे तुमने? नहीं रुको, घबराओ नहीं, बोलो बोलो। मैं ये बोल रहा था कि ये जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, इसके पहले पहले ये एनआरसी लागू करके दिखा, पहले ये एनआरसी लागू होगा, ये एनआरसी लागू होने के बाद सब लोगों की छटैया होगी, सब लोग जब छटेंगे इसके बाद हिंदू मुस्लिम ये रोजगार पे बात ही नहीं करना चाह रहे। बीजेपी गवर्नमेंट सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रही है, मंदिर कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रही है। मैं रोजगार हूँ, मैं खुद जॉब लेके, अभी देखा मेरा ये सीवी है, मेरा सीवी है, दिल्ली में है और सीपी कनॉट प्लेस में है। केजरीवाल से जॉब मांगेंगे एक साल, हिंदू मुस्लिम बीजेपी करता ही नहीं। अब एक खड़ा रहो, चुपचाप अभी कर रहे हो आप, अभी कर रहे हो, ये अभी कर रहे हैं। मैं बेरोजगार हूँ, मैं एक साल से जॉब ढूंढ रहा हूँ, मेरा सीवी है, आज मैं इंटरव्यू देने के लिए आ रहा हूँ, लेकिन मेरे पास रोजगार ही नहीं है। इंडिया में ये हालत है, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, एमसीए किया है मैंने, एमसीए करने के बाद मेरा जॉब नहीं है। हिंदू मुस्लिम बीजेपी नहीं कर रही है, पहले इंडिया में पहले एनआरसी लागू होगा। हाँ मैं एक साल से बेरोजगार घूम रहा हूँ, मैंने रोजगार दे रहा हूँ, रोजगार इतना है, काम करने वाले चाहिए, हमारी कंपनी खुद इतने काम करने वालों को मांग रही है, कंपनी डेली कहती है ढूंढ के लाओ बंदों को जो काम करना चाहते हैं। खड़े हो चुपचाप, पहले खड़ा होना सीखो और फिर बात, चुपचाप खड़े रहना, पैर नीचे, ये लीजिए बायोडाटा, हाथ अंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखो को फारसी क्या, ये इनका नाम है अबरार अहमद सिंधिया, उसके पास हमारा ऑफिस है, कल आ जाइए। कहाँ कहाँ? मैक्स लाइफ कंपनी, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में। क्या बजे आए ये? रुको, तुम्हें नहीं, तुम पहले ठीक हो, तुम क्या बजे? 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। क्या आपका नाम क्या हो गया? राहुल। राहुल सैलरी क्या है? सैलरी क्या है? सुनो सर, इन्हें सुनिए, इनको बोलो सैलरी कितना क्या है, सैलरी पूछ रहे हैं। यहाँ तो भवा करेगा, वहाँ जाके कहेगा 5000 रुपए। अरे इंडिविजुअल कंपनी का सैलरी कितना है? अरे सुनिए, क्या नाम हो गया आपका? मोहम्मद महबूब। मोहम्मद महबूब, रुको रुको, मोहम्मद महबूब अभी तो इनके पास कुछ नहीं है, अनुभव भी नहीं है, पहले से ही तय कर लो कि आईएएस बनाओगे कि नहीं बनाओगे। क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल रुकिए, पकौड़ा तलने की बात नहीं हो रही है, मैं आ रहा हूँ जी, आप इनको बुलाइए और इनके हिसाब से जो हो कीजिए जी। मैं आया जाओ जी जी। देखिए वो अबरार भाई का तो समाधान यही सामने हो रहा है, मैं थोड़ा उन महबूब भाई का टेस्ट ले लूँ। महबूब भाई तो कांग्रेस के शासन काल में जवान हुए होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट इंटर पास किए होंगे, किस जॉब में है, उस दौर में क्या जॉब मिल रही थी? आज ये जो हवा आप देख रहे हैं, इसी में से पूछ लीजिए कि कौन कौन से लोग किस जॉब में है। आज देश में जॉब के साथ साथ 70,000 ऐसे युवा हैं जिन्होंने सैकड़ों लोगों को अपनी अपनी स्टार्टअप कंपनियों में रोजगार दिया है। देश को एक संवेदनात्मक रूप में देखना पड़ेगा कि आज 2 साल कोरोना का। सुनिए मेरी बात सुनिए, क्या नाम है आपका? अबरार। अबरार अबरार अबरार, आपने कहा मुझे नौकरी चाहिए, सामने वो खड़े थे, उन्होंने कहा मैं नौकरी दे सकता हूँ। मेरी बात सुनिए, आप वेब डेवलपर हैं, आपके अनुरूप ही, आपके सुनिए ममता, आपके अनुरूप अबरार साहब, तंग दिमागी से काम नहीं होता, खुले दिमाग से बात करिए और मेरी बात सुनिए, आपके क्वालिफिकेशन के अनुरूप, क्योंकि अभी आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो आप वहां जाइए, आपको जॉब मिलेगी, आपको अच्छी ना लगे छोड़ दीजिएगा, ठीक है, फिर दूसरी जगह जाइएगा, लेकिन ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं। जी जी जी, आई वॉन्ट टू मेक वन पॉइंट, मेरे ऑफिस में पीओन से लेकर और सीनियर ब्रांच मैनेजर तक, की पोस्ट अवेलेबल है, जो बंदा जैसी स्किल्स होगी, इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के दौरान जैसा टैलेंट होगा, जो स्किल होगी, उसके हिसाब से सैलरी मिल जाएगी। देखिए देश के प्रधानमंत्री है, जली जली ये अहमद जली, ये पूरे हिंदू का मसला है, ये पूरे हिंदू का मसला है। भाई साहब आप अपना क्रोध शांत करें, आप वेब डेवलपर हैं, मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ, इस देश की सबसे बड़ी जो आईटी कंपनीज है, आज वहां पर हजारों जॉब खाली हैं, आपको कुछ नहीं करना, हल्की सी अपनी आईटी स्किल डेवलप करनी है और गारंटीड आपको 2 लाख रुपए महीने की जॉब मिल सकती है, मैं आपको अश्योर करके दे सकता हूं। बिल्कुल, आपको कुछ आपको करना क्या है कि वेब डेवलपमेंट की जगह
आपको आईटी, मैं ऐसी 12-15 कंपनीज को जानता हूं जहां पर, एक मिनट, अरे एक मिनट सुनिए, 12-15 कंपनी को जानता हूं जहां पर जॉब्स हैं पर स्किल नहीं है। राइट, देखिए देखिए, जॉब का सीधा फंडा होता है कि आपकी स्किल और आपकी क्वालिफिकेशन और आपका एक्सपीरियंस। अबरार भाई, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन है और आप उनके क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो वो आपको 4 लाख या 5 लाख दे सकते हैं, लेकिन